जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं हाई स्कूल परीक्षा पूरक परीक्षा 2023 जो कि फाइनली हमारे पास असली पेपर आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो आपका 23 क्वेश्चन होने वाले हैं और 15 पेज होने वाला आपका 2023 पूरक परीक्षा का 100% असली पेपर है। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में आपका पेपर होने वाला है। आपका 3 घंटा समय होने वाला है, 75 अंक का पेपर होने वाला है। और अपना यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हो, निर्देश जो कि आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि विद्यार्थी, इस पेपर का संपूर्ण सलूशन इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो मैं आपको सलूशन दिखा देता हूँ, इसके बाद आपको पेपर दिखाता हूँ। तो फाइनली विद्यार्थी, यहाँ पर देख सकते हो 1 का उत्तर और 2 का उत्तर, 3 का उत्तर और 3 के बाद 4 का उत्तर और 5 का उत्तर, सभी देख सकते हो। पूरा उत्तर A to Z यहाँ पे मैं आपको दे दिया हूँ। तो 9 का 10 के बाकी आपको 11 12 सभी उत्तर इस वीडियो में मिल जाएगा, जो कि लास्ट में मिलेगा। तो आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो पूरा A to Z मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा उत्तर। तो लास्ट में बने रहे और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, इसके बाद आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा जो कि लास्ट में, और PDF का कोड भी इस वीडियो के बीच में या अंत में लास्ट में कहीं पर भी बोल सकता हूँ, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहे। यहाँ पर देख सकते हो, चलिए मैं पेपर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो फाइनली मैं आपको प्रश्न की ओर चलता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो विद्यार्थी, पहला प्रश्न आपको 1 ही रंग के 6 प्रश्न मिल जाएगा, तो आपको 6 नंबर का होने वाला है। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहे। आप पहला नंबर देख सकते हो, पेरियर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला केरल, दूसरा मेघालय, तीसरा सिक्किम और चौथा यहाँ पर उड़ीसा। तो आपका केरल में ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका 2 नंबर देख सकते हो, हीराकुंड परियोजना संबंधित है, तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपका ब नंबर हो जाएगा, जो कि महानदी। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, 3 नंबर फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो कब हुई थी, यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो 1788 है पहला, दूसरा है 1789, तीसरा है 1791 और चौथा है 1790। तो इसका राइट आंसर आपको 1789 जो कि ऑप्शन नंबर ब पर है, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि 4 नंबर है। रालेड एक्ट पारित हुआ था, तो आपको रालेड एक्ट कब पारित हुआ था, तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में राइट आंसर पहला नंबर हो जाएगा 1919 में, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हो 5वां नंबर आपके सामने है। 5वां नंबर आप यहाँ पे कोलकाता के द्वारका नाथ टैगोर 1830-1940 के दशक में प्रसिद्ध थे, तो ये आपको राइट आंसर। इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपको चटना है, तो इसका 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उदयम के रूप में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देख सकते हो, मैं लास्ट में इसका उत्तर लिख के बता दूंगा। इस पर यहाँ पे देख सकते हो आपको, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको 6 नंबर है। मानव विकास रिपोर्ट हर साल जारी करता है, तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर UNDP हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अ पर है। इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश वाले भी अपना स्क्रीन शॉट लेते चले, जो कि मैं हिंदी वाले के लिए बताया हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश वालों के लिए नहीं बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी यदि दोनों लोग को बताऊँ। इसके बाद मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आपको रिक्त स्थान क्या करना है। इसका यदि आपको मैं यहाँ पे बोल दूंगा और लिखा लिखा है वीडियो के अंत में मिलेगा, तो लास्ट तक जरूर बने रहे। यहाँ पे देख सकते हो 1 1 अंक के 6 प्रश्न आपको मिल जाएंगे रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला नंबर यहाँ पर देख सकते हो, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को खाली स्थान कहते हैं, तो धर्म निरपेक्ष कहते हैं, आप लिख देना। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इसके पहले खाली स्थान थे, तो आपको दक्षिण अफ्रीका में थे, ये लिख लेना। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, औसत आय को खाली स्थान भी कहा जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, बेल्जियम में खाली स्थान सरकार है, तो आपको लोकतांत्रिक सरकार है, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, प्रजातांत्रिक सरकार खाली स्थान उत्तरदायी है, तो ये आपको जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। इसका औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के खाली स्थान देश में हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी। इस तरीके से बहुत अच्छे से मैंने बता दिया, यदि लिखा लिखाया चाहिए तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। इंग्लिश वाले भी अपना स्क्रीन शॉट यहाँ पर ले लेना, बहुत अच्छे से A to Z मैंने दिखा दिया। इसके बाद आपको एक वाक्य में उत्तर क्या करना है, मैं यहाँ पे बोल दूंगा, यदि आपको लिखना हो तो बहुत अच्छे से लिख लेना। एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। पहला देख सकते हो, भारत का सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो भारत का सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है, जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हो, जूट पौधे में से उत्पादित एक प्राकृतिक फाइबर है, जिसे इससे इसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर सूचनाओं का आदान प्रदान किस तंत्र में शामिल है, तो ये आपको बताना है, जो कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से बताना है, और यहाँ पे जो कि मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर देख सकते हो, 3 नंबर है सूचनाओं का आदान प्रदान किस तंत्र में किया जाता है, इसका मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जो कि 4 नंबर है, 3 नंबर है, 3 नंबर भी वीडियो के अंत में बता दूंगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, जनमत संग्रह काले सॉरी एक वाक्य नहीं तो जनमत संग्रह है, तो इसका भी वीडियो के अंत में उत्तर मिल जाएगा बहुत अच्छे से। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो,
जमशेदपुर प्रसिद्ध है, तो ये आपको बताना है, इसका वैध शासन है। इन सभी का उत्तर वीडियो के अंत में मिल जाएगा, ए टू जेड। तो आपको वैध सरकार उस सरकार, ये वैध सरकार लिखा है, वैध शासन मतलब वैध सरकार उस सरकार को कहते हैं जो कानूनी रूप से लोगों के द्वारा चुनी जाने जाती है, उसी को कहा जाता है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। ये रहा आपका 70 सत्र, बहुत अच्छे से आपको लिखना है, जो कि मैं वीडियो के अंत में बहुत अच्छे से उत्तर बता दूंगा और यहाँ पर भी मैं बता दूंगा, टिक लगा दूंगा। सही रहेगा सही का चिन्ह और गलत रहेगा तो गलत का चिन्ह। तो यहाँ पे देख सकते हो, एक एक अंक के 6 प्रश्न है तो 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो पहला नंबर विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास के लिए माने जाते हैं, तो ये आपको सत्य हो जाएगा। इसका 2 नंबर देख सकते हो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना 1909 में की थी, तो ये आपको असत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो रीडर पेस्ट पशु रोग था जो 1890 में फैली थी, तो ये आपको सत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 4 नंबर शिक्षक वकील पुलिस वो डॉक्टर की सेवा उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है, तो ये आपको सत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 5 नंबर है महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित हो, तो इसका राइट आंसर मैं बता दूँ कि सत्य हो जाएगा। इसके बाद इसका भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद लोकतंत्र का आधार गरिमा और आज़ादी है, तो ये असत्य हो जाएगा। इस तरीके से मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, जो कि सही जोड़ी, तो मैंने तो यहाँ पर सही जोड़ी बता दिया और यहाँ पर बताऊँगा ये अभी। तो यहाँ पर देख सकते हो 1-1 अंक के 6 प्रश्न है, तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा, तो बहुत अच्छे से आपको सतना है। जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको बताने में सरल हो। तो ये देख सकते हो सही जोड़ी है। आप इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, आपको पहले नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर संयुक्त उद्योग हो जाएगा, जो कि ई नंबर पर पहले का। इसके बाद 2 जगह श्रीलंका की राजधानी, इसका आपको कोलंबो हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर अ पर है। इसका 2 नंबर देख सकते हो, सॉरी 3 नंबर तुति कोरम पत्तन, तो इसका हो जाएगा आपको तमिलनाडु, जो कि आपको 3 नंबर पे है। इसका मछली पालन, तो मछली पालन आपका प्राथमिक क्षेत्र, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है, इस तरीके से हो जाएगा। सर बैंकों का बैंक, तो बैंकों का बैंक आपको RBI है, जो कि RBI रिजर्व बैंक आप इंडिया को कहा जाता है। इसके बाद आपको लास्ट का, जो कि असहयोग आंदोलन 1920 में चलाए गए थे, तो ये तो सामने के सामने है। इस तरीके से आपका सही जोड़ी भी मिला दिया। इसके बाद मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, जो कि आपको बताने में आसानी होगी। इसके बाद यहाँ पे जूम आउट करने के बाद आप अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, इंग्लिश वाले भी लिख लेना अपना। पहला अपना प्रश्न देख सकते हो, संसाधन के प्रकार बताना है, जो कि प्रश्न क्रमांक 6 पर है। देखिए यहाँ पे संसाधन के प्रकार पूछा गया है और अथवा नंबर मृदा संसाधन क्या है, तो इनमें इसको मृदा संसाधन क्या है इसको मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो मृदा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है, यह पौधे का विकास करती है और लाखों जीवों को पोषक देती है। तो इसका 2 अंकी प्रश्न है, तो बहुत अच्छे से लिख लेना है, 2 में से 1 लिखना है, 2 अंकी यहाँ से मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, जो कि 7 नंबर प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी क्या है और इसका अथवा है, यहाँ पे देख सकते हो संसाधन नियोजन के प्रमुख सोपान लिखिए, तो इसको मैं अथवा वाला नहीं बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन 7 वाला बता रहा हूँ। जलोढ़ मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी उस मृदा को कहा जाता है जो बहते हुए जल द्वारा बहा कर लाए गए कंकड़ पत्थर जमा किया जाता है, उसी को कहा जाता है। तो जो कि 2 अंकी प्रश्न है, जो बहुत अच्छे से लिख रहा वीडियो के आपको लिख के दिखा दूंगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 18 नंबर झूम खेती क्या है, जो कि यहाँ पे झूम खेती आपको पूछा गया है, तो झूम खेती मैं बता दूँ, झूम खेती आपको मैं बता रहा हूँ, और रबी और खरीफ फसलों में 5 अंतर अंतर पूछा है, तो 5-5 अंतर नहीं बता रहा हूँ आपको, झूम खेती बता रहा हूँ। झूम खेती ये आदिम प्रकार की कृषि है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज के दिए जाते हैं, तो उसी को झूम खेती कहा जाता है। आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से यह किया जाता है। विनिर्माण क्या है, तो मैं बता दूं विनिर्माण क्या है, और इसका संयुक्त उद्योग क्या है, तो मैं विनिर्माण वाला बता रहा हूँ। तो जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में बनाकर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो उसी को प्रक्रिया को विनिर्माण कहा जाता है। जैसे कि विनिर्माण नहीं किया जाता है उसी को बढ़ावा दिया जाता है, उसको विनिर्माण बिना निर्माण करे आपको बढ़ावा दिया जाता है। इस तरीके से आपको इसको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 10 नंबर प्रश्न है, परिवहन के कौन कौन साधन है, तो परिवहन के कौन कौन साधन है और इसका अथवा देख सकते हैं, जैसे जल परिवहन क्या है, तो मैं परिवहन के कौन कौन से साधन है और इसी को बता रहा हूँ। तो पहला लिख लेना आपको सड़क मार्ग, दूसरा रेल मार्ग, तीसरा जल मार्ग, तीसरा चौथा वायु मार्ग, 4 लिख लेना बहुत अच्छे से, और भी लिख सकते हो, जो भी लिखोगे बहुत अच्छे से बनाकर भी लिख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो 11 नंबर डिजिटल भारत क्या है, और ये 2 अंकी प्रश्न है, बहुत अच्छे से लिख लेना। इसका अथवा है 5 प्रमुख संचार साधनों के नाम लिखना है, और यहाँ पे देख सकते हो
मैं संचार के प्रमुख साधन लिखना है जो कि अथवा वाला बता रहा हूँ, तो पहला हो जाएगा डाक घर और दूसरा टेलीफोन और समाचार पत्र कंप्यूटर, इस तरीके से रेडियो मोबाइल आप कोई भी लिख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आपको यहाँ पे पांच तो लिखना है तो कोई भी लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा 12 नंबर, जैविक युद्ध क्या है। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हो 12 नंबर जैविक युद्ध क्या है और इसका निषेधाधिकार क्या है। तो इन दोनों में से मैं एक का बता रहा हूँ, जैविक युद्ध क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो किसी युद्ध में किसी व्यक्ति पशु अथवा पौधे में मरने के उद्देश्य से उनकी उसमें जीवाणुओं विषाणुओं अथवा फफूंद जैसे जीवाणुओं आविष्कार अथवा संक्रमणकारी तत्वों का उपयोग करना जैविक युद्ध कहलाता है। तो इस तरीके से आपको प्रश्न क्रमांक 12 का लिख सकते हो, बाकी में लिखा लिखा हो तो वीडियो के अंत में ही मिलेगा। इसके बाद 13 नंबर यहाँ पे देख सकते हो, 13 नंबर आपको स्पिनिंग जेनी क्या है तो इनका देख सकते हो, अथवा देख सकते हो औद्योगिकीकरण क्या है, तो इन दोनों में से एक को लिखना है जो कि अब बाकी आगे 13 से आपको वीडियो के अंत में उत्तर मिलेगा, तो आप इसको प्रश्न को नोट कर लो, लास्ट में उत्तर मिलेगा। 14 नंबर देख सकते हो, गुगेट वर्ग कौन थे ये देख लो, और आपको एक अंक के आपको देख सकते हो 2 प्रश्न मिलेगा। पंचांग क्या है तो आपको बहुत अच्छे से लिख लेना इसका उत्तर 14 नंबर। तो इसके बाद देख सकते हो पंचांग वाला बता देता हूँ, चांद सूरज की गति ज्वार भाटा के समय और जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ देता है, वार्षिक प्रकाश पंचांग कहलाता है, जैसे कि आपको कैलेंडर होता है उसी को पंचांग कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारी जानकारियाँ कैलेंडर में लिखा जाता है उसी को कहा जाता है। ठीक है, 15 यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न देख सकते हो, गैलीय कंपोजिटर क्या है और इसका अथवा देख सकते हो वर्णा कम्यूज क्या, तो इन दोनों में से आपको एक को लिखना है जो कि वीडियो के अंत में उत्तर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपको 16 नंबर प्रश्न आपके सामने रहा, द्वितीय क्षेत्र क्या है और इसका अथवा देख सकते हो प्राथमिक द्वितीय द्वितीय क्षेत्रों में 2-2 उदाहरण देना है और एक यहाँ पर 2-2 अंक प्रश्न है, तो दोनों में से आपको एक को लिखना है, जो मर्जी उसको लिख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो 17 नंबर आयात निर्यात क्या है और इसका अथवा देख सकते हो कंटेनर क्या है, दोनों में से एक को लिखना है जो कि वीडियो के अंत में आपको उत्तर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को समझाइए और अथवा वाला देख सकते हो वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकारों को समझाइए। और यहाँ पे देख सकते हो 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, मुद्रा क्या है इसके कार्यों को समझाना है और अथवा देख सकते हो मुद्रा विनियम का एक माध्यम है समझाना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 20 नंबर संघवाद क्या है इसी विशेषता लिखना है और यहाँ पे देख सकते हो 18 नंबर आपको देख सकते हो सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है समझाइए और यहाँ पे देख सकते हो 21 नंबर प्रश्न आपके सामने रहा, 21 नंबर यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के मानचित्र को कोयला उत्पादन क्षेत्र को दर्शाइए और 18 नंबर देख सकते हो ऊर्जा संसाधन के संरचना की आवश्यकता क्या है और ये समझाना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अगला, तो 21 नंबर यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो संविनय संज्ञा आंदोलन क्या है समझाना है 22 नंबर और इसका अथवा देख सकते हो साइमन कमिश्नर क्या है समझाना है और इसका 23 नंबर देख सकते हो लोकतंत्र के राजनीतिक दलों की भूमिका को समझाना है और इसका अथवा देख सकते हो क्षेत्रीय दल और राजनीतिक दलों के बीच क्या अंतर है समझाना है, जो कि मैंने पेपर बता दिया। आप चलिए उत्तर दिखाता हूँ और वहीं पे कोड भी बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहे, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो फाइनली यहाँ पे मैंने उत्तर लेकर आ चुका हूँ, कक्षा 10 सोशल साइंस का उत्तर है। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले का नंबर हो जाएगा केरल, दूसरा का आपका 1 नंबर महानदी, तीसरा का आपका 1989 आपका हो जाएगा और 1 नंबर इसका चौथा का अ नंबर 1919 और यहाँ पे देख सकते हो 5वां नंबर उद्यमी के रूप में और यहाँ पे देख सकते हो 6वां नंबर UNDP। इस तरीके से आपको प्रश्न एक का मैंने A to Z बता दिया। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 2 देख सकते हो, 2 का मैंने उत्तर यहाँ पे लिखा हूँ, पहला नंबर धर्मनिरपेक्ष, दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा प्रति व्यक्ति आय और यहाँ पे चौथा देख सकते हो लोकतांत्रिक और 5वां जनता के प्रति और 6वां इंग्लैंड। इस तरीके से आपको लिख सकते हो 6 का पूरा उत्तर बता दिया। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न 3 आप पहले का यहाँ पर देख सकते हो पहले का उत्तर, इसके बाद 2 का उत्तर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 का उत्तर यहाँ पे ये रहा और 2 का, इसके बाद 3 का देख सकते हो इस तरीके से यही उत्तर है जो कि इसके बाद आपको 4 नंबर लिखना है, तो 4 नंबर 1 2 इनको लिख लीजिए और 2 इसमें से बच जा रहा है, 2 आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो कि मेरे को फोटो लेने में दिक्कत हो गया है, ये देख सकते हो 2 का है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 5 नंबर 5 का उत्तर इसको लिख लो सही जोड़ी, मैंने A to Z बता दिया। इसके बाद 6 नंबर देख सकते हो इसको, इसके बाद 7 नंबर देख सकते हो, इसके बाद यहाँ पे 7 के बाद ये रहा है 8 नंबर और इसके बाद 9 नंबर देख सकते हो और 10 नंबर और 11 नंबर है और 12 नंबर और 13 नंबर A to Z लिखते चलो और 14 नंबर देख सकते हो
और ये 15 नंबर और ये 16 नंबर। इसके बाद ये 17 नंबर देख लीजिए, इसके बाद ये 18 नंबर ए टू जेड देख लीजिए, और ये देख लीजिए अगला पूरा, इसके बाद ये 19 नंबर, पूरा ही 19 नंबर है पॉइंट बाय पॉइंट, इसको देख लीजिए। इसके बाद 20 नंबर आ गया, 20 नंबर देख लीजिए पॉइंट बाय पॉइंट। इसके बाद 21 नंबर आ गया, इसके बाद 21 लिखने के बाद 22 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा मैंने बता दिया। इसके बाद 23 नंबर। तो विद्यार्थी मैंने 23 तक बता दिया, और जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। पीडीएफ का पासपोर्ट आपको 20 11 11 ए है, जो कि टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन हो जाना। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जाइए।